इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का क्या जो केस चल रहा है, क्या उन्होंने सुनवाई दी सुप्रीम कोर्ट ने, इसे हम समझेंगे। गोपालन मामला, इसे भी हम समझेंगे। मेनका गांधी का क्या मामला था, इसे भी हम समझे। कई सारे एग्जाम्पल से हम आर्टिकल 21 को समझने वाले हैं और ये 100% आप रखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम समझ लें कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आता है 19 से 22 के बीच में, आपको पता ही होगा। 19, 20, 21, 22 में टोटल चार इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट की सारी वीडियोज मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार करके हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 19 और 20 हम समझ चुके हैं, 21 को समझेंगे। यहाँ पे क्या है 21, तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हमें प्राण की अधिकार है, हमें कोई मार नहीं सकता, एक ही बेसिस पे मार सकता है, वो है हम कहते हैं विधि द्वारा प्रस्थापित एक प्रक्रिया के अनुसार। जैसे आपको पता है कि कई लोगों को फांसी दे दी जाती है ना, तो इस तरह की कार्रवाई एक विधि के द्वारा होती है, तो उसके अनुसार उसे जो है सजा दी जा सकती है, राइट। अन्यथा हमें प्राण का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है ये, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसे हमको समझने के पहले थोड़ा इसे समझना पड़ेगा। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं गोपालन जो मामला है, गोपालन मामला, ये क्या मामला है इसको हम समझते हैं। तो गोपालन मामला देखिए क्या है कि 1950 की बात है, और उस टाइम में ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे गोपालन जी, एंड उन्हें क्या किया, जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में जब उन्हें बंद कर दिया गया, तो जब उनकी सज़ा पूरी हुई 3 साल के बाद अराउंड, तो अब क्या किया गया कि सरकार ने फिर से एक नया जो है नियम बनाया, और नियम के तहत फिर से इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि ये गोपालन जी ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने फाइल कर दिया केस आर्टिकल 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, सरकार चाहती है कि मैं हमेशा जेल में ही बंद रहूं, और हमें प्राण से जो है छीन लेना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कि ये कहा, इसका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे कि यहाँ पे आपको समझना है दो चीजें होती है, एक होती है विधायी प्रक्रिया और दूसरी होती है कार्यकारी प्रक्रिया। क्या होती है ये, तो इसको समझने के पहले सबसे हमें समझना पड़ेगा कि कार्यकारी होता क्या है। तो आप देखिए, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ होते हैं, एक तो होता है न्यायालय जिसे हम वोट कहते हैं न्यायालय, और दूसरा होता है विधायिका जो कानून बनाती है, विधायिका क्या करती है कानून बनाती है, और तीसरा होता है कार्यपालिका, राइट, कार्यपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझने वाले हैं। कार्यकालिका, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का मतलब कोर्ट हो गया, विधायिका का मतलब होता है संसद, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा, और हम स्टेट की बात करेंगे तो विधान परिषद एंड विधानसभा, ठीक है, ये हो गई विधायिका, मीन्स जो कानून बनाएगी, जो कानून बनाती है उसे हम विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा जो कानून बनाती है, विधायिका जब कानून बना दी तो उसको एग्जीक्यूट करने का, पालन कराने का अधिकार जो है, अधिकार कहें या कार्य कहें, वो कार्यपालिका के पास है। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, इसमें जैसे हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं मंत्रिपरिषद होंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन मंत्रिपरिषद होंगे। ये मैंने बात करी कहाँ की, तो सेंट्रल लेवल की। स्टेट लेवल की हम बात करें तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे, इस तरह से राज्यपाल होंगे और मंत्रिपरिषद होंगे। तो ये तो हो गई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब क्या है यहाँ पे, मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखिए, तो विधायी प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब संसद कोई कानून बनाती है, ठीक है, तो उस कानून के आधार पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गोपालन मामले में ये कहा, वो कार्यपालिका यदि कोई मनमानी तरीके से यदि किसी को, किसी के साथ अन्याय करती है, प्राण छीनने का जो है संकल्प ले लेती है, प्राण छीनने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर न्याय दे सकता है, वो उसके अधिकार श्रेणी में नहीं, कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। मगर उसने साथ में ये भी कहा
कि विधायिका चाहे तो कोई कानून बना के प्राण छीनने का काम कर सकता है, अंकुश लगा सकता है उसमें। तो गोपालन मामले में यही आया। दूसरा क्या है, देखिए गोपालन मामले के बाद मेनका गांधी का मामला, ये 1950 के आसपास का है, मेनका गांधी का मामला। अब मेनका गांधी का मामला क्या है, देखिए मेनका मामला इसे हम कहते हैं। तो मेनका गांधी का क्या हुआ, देखिए इशू ये है 1978 की बात। तो 1976 में क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम में मेनका गांधी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट उन्हें मिला। अब 1978 में क्या हुआ कि दिल्ली की एयरपोर्ट, दिल्ली की जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उसने मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट जब्त करने की कोशिश की, नोटिस भेजा गया मेनका गांधी जी को। मेनका गांधी जी ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया, और जब उनसे पासपोर्ट लेने के लिए नोटिस भेजा गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो चली गई और वहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने केस दायर कर दिया। अब यहाँ पे पासपोर्ट का आर्टिकल 21 से क्या काम है आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए ये कहा सबसे पहले कि कोई भी, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, क्योंकि न्यायपालिका जो है जजमेंट दे रहा है, समझे, बचा क्या विधायिका और कार्यपालिका। तो विधायिका या कार्यपालिका दोनों ही किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार को नहीं छीन सकता। मगर पहले वाले मामले में क्या कहा था कि विधायिका चाहे तो छीन सकता है, अंकुश लगा सकता है। मगर मेनका गांधी के मामले में अपने जो पूर्व वाला जजमेंट है उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि विधायिका नहीं कार्यपालिका किसी भी तरीके से एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया मेनका गांधी के मामले में। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, वहाँ पे कई सारे अधिकार जो है उल्लिखित किए, और उन्होंने कहा कि गरिमा से जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ये मेनका गांधी के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, गरिमा के साथ जीना। सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे में जान है तो वो जान बनी रहे, नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि गरिमा के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना है। तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें लगाई, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इन अधिकारों का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। जैसे शयन का अधिकार जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूँ शयन का अधिकार, उसके बाद 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा का अधिकार। तीसरा यहाँ पे नोट करेंगे तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, जब तक आपकी दोष प्रूफ नहीं हो जाए तब तक हथकड़ी आप कोई नहीं लगा सकता आपको, हथकड़ी लगाने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार है। इस तरह से पर्यावरण संबंधी अधिकार, मतलब स्वच्छ हवा में जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, कई सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मेनका गांधी को ये जजमेंट उनके पक्ष में क्यों मिला, देखिए क्योंकि पासपोर्ट जब्त करी गई तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो है आया टॉपिक कि पासपोर्ट का मतलब है विदेश जाना, तो क्या विदेश जाना कोई एक मूल अधिकार में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाना बिल्कुल मूल अधिकार में आएगा, आर्टिकल 21 के तहत आएगा, क्योंकि विदेश जाना एक तरह से गरिमा से संबंधित है और विदेश लोग कई तरह से जा सकते हैं, हो सकता है कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए जाए। तो इस तरह से इस मामले में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती। साथ ही उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया। तो शयन का अधिकार मीन्स सोने का अधिकार, आपको सोने का अधिकार है। मैं एक यहाँ पे एक मामला जिक्र करना चाहूँगा, रामदेव जी का मामला है, रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव के नाम से प्रसिद्ध जानते होंगे। तो उन्हें आपको पता है कि रामलीला मैदान से जो है उन्हें सोते हुए उठा लिया गया था, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे केस बना कि सोने का जो अधिकार है, शयन का जो अधिकार है उनके पास है, आपको सोते हुए कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता, पुलिस भी आपको सोते हुए नहीं उठा सकती है। अब समझते हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये समझना काफ़ी जरूरी है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कितना लंबा है चौड़ा है मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। खैर आप समझ लें, यहाँ पे है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, और यहाँ पे इंडिया गेट है, दिस इज इंडिया गेट, IG लिख दिया एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन RB, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में पड़ता है राजपथ, ये है राजपथ जहाँ पे परेड होता है, आपको पता होगा,
और दोनों साइड में कई सारी बिल्डिंग्स हैं, इसमें कई सारी ऑफिसेज चलती हैं। अब सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत क्या है कि इन सारी बिल्डिंगों का निर्माण कराया जाना है, ठीक है। तो अब जब निर्माण कराया जाना है तो राजीव सूरी ने एक पिटिशन डायल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि ये जो निर्माण हो रहा है ये अवैध है और ये आर्टिकल 21 का हनन है। कई सारी चीज़ें वहाँ पे कही, आर्टिकल 21 की मैं बारे में यहाँ डिस्कशन करूँगा कि आर्टिकल 21 का हनन क्यों है। यहाँ पे कहा कि कई सारे इसमें पेड़ वगैरह काटे जाएंगे, निर्माण प्रक्रिया होता है तो आपको पता है कि धूल वगैरह उड़ेंगे, इस तरह से पर्यावरण का हनन होगा। और मेनका गांधी के मामले में आर्टिकल 21 में मैंने जो अधिकार की लिस्ट मैंने बताई उसमें साफ कहा गया था कि शुद्ध जो वातावरण है प्रत्येक लोगों को मिलना चाहिए, दैट्स वाई ये केस इस तरह से चला। और इसमें क्या हुआ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को समझने के पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर क्या ये राष्ट्रपति भवन और ये है इंडिया गेट, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच राजपथ। और यहाँ पे अब क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, यहाँ पे और यहाँ पे मतलब अगल बगल बीच में बैठेंगे राष्ट्रपति, राइट, और अगल बगल में उपराष्ट्रपति, दिस इज वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और पीएमओ का जो है यहाँ पे बना दिया जाएगा ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब पीएमओ प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ बैठे और यहाँ से गाड़ी पकड़ के चले गए सीधा अपना प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंट, दिस इज रेसिडेंट। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही है। और इस जगह में आपको पता है कि संसद भवन है, गोलाकार है, किसने बनाया था आप कमेंट में लिख सकते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे अभी ये सर्कुलर शेप में है मगर ये रखा जाएगा और यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप में जो बनाया जा रहा है संसद भवन, राइट, तो वो यहाँ पे बगल में बनाया जाएगा। इसमें लगभग अराउंड 900 करोड़ लगेगा और टोटल प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपये इसमें लगने की संभावना है। तो बात सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंची, मैंने बताया कि इसमें इस तरह से एक प्रोसेस चलता है, जब चीज़ें बनती हैं तो हो सकता है पर्यावरण को इसमें कहीं प्रदूषण का सामना करना पड़े। आपको पता है कि दिल्ली की क्या स्थिति, आप टॉप 10 यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप 10 में कौन कौन से स्टेट जो है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से टाउन्स हमारे देश में आती है, लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो राजीव सूरी जी ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो गए और पिटिशन डाल दी कि भाई ये आर्टिकल 21 का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए वहाँ पे 3 बेंच की ये जजेस बैठे थे, ठीक है, तो जज खन्ना थे, माहेश्वरी जी थे और खानविलकर जी थे, तो यहाँ पे 2:1 मतलब दो जज खन्ना जी को छोड़कर माहेश्वरी जी और खानविलकर जी ने इनका सपोर्ट किया कि भाई सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सरकार बिल्कुल सारे मापदंडों का प्रयोग करके ही यह बनाएगी। लेकिन साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे जस्टिस खन्ना जी ने कहा कि नहीं, सरकार को कई चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आप समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि सरकार को जो स्मॉग गन होते हैं उसे लगाना चाहिए। स्मॉग गन क्या होता है, देखिए स्मॉग गन इस तरह का स्मॉग टावर, टावर की मैं बात कर रहा हूँ, गन और टावर दोनों लगाने की बात करी जा रही है। तो स्मॉग टावर क्या होता है, तो स्मॉग टावर बेसिकली इस तरह का टावर होता है लंबा सा और इसमें इस तरह से फिल्टर लगे रहते हैं, इस तरह से एक तरफ से हवा आएगा अशुद्ध हवा और दूसरे तरफ से शुद्ध हवा निकल जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इस ये लगाने की बात करी गई है, इससे स्वच्छ आसपास का जो एरिया है वह स्वच्छ रहता है।